हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे ओप्पो F21 प्रो 5G में और मोटो Edge 20 फ्यूजन में और देखते हैं कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले से, तो ओप्पो की है डिस्प्ले 6.43 इंच की, मोटो की है डिस्प्ले 6.7 इंच की। दोनों का है रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल। दोनों में ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। दोनों में आपको 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। दोनों में पंच होल कैमरा मिल जाता है। बात करते हैं प्रोसेसर की, तो ओप्पो का आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 680 का। सीपीयू है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टाकोर का, 6 नैनोमीटर का फिनफेट। जीपीयू है 610 का। मोटो का है मीडियाटेक का डेमिसिटी 800U का। सीपीयू है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टाकोर का, 7 नैनोमीटर का फिनफेट और प्रोसेसर क्वालिटी में मोटो बेस्ट है। बात करते हैं बैक कैमरा की, दोनों का है ट्रिपल। ओप्पो का है मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, रियलमी का है मेन कैमरा 48 का। बात की जाए फ्रंट कैमरा की, तो आपको मोटो में मिलता है और ओप्पो में सेम है 32 मेगापिक्सल का मिल जाता है। बात करते हैं बैटरी लाइफ की, तो ओप्पो में मिलती है आपको 4500 mAh की, मोटो में है 5000 mAh की। दोनों की बैटरी स्नोनेबल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। बात करते हैं चार्जर की, ओप्पो में है 33 वाट का, मोटो में है 30 वाट का। दोनों में टाइप्स का स्पोर्ट है। दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक भी मिल जाता है। ओप्पो में आपको रैम मिलती है 8 GB की, मोटो में रैम है 6 GB और 8 GB की। दोनों की मेमोरी सेम 128 GB की और आपको दोनों में ही एंड्रॉयड 11 मिलता है। प्राइस की बात की जाए तो ओप्पो का है प्राइस स्टार्टिंग 22,999 रुपये, मोटो का है स्टार्टिंग 21,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन लेना है, अगर आपको बजट है कम 1000 रुपये कम और आपको एक अच्छा प्रोसेसर लेना है, तो आप एक 5G स्मार्टफोन लेना है तो आप मोटो के साथ जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा स्लिम स्मार्टफोन लेना है, लुक अच्छा लेना है, बेस्ट कैमरा लेना है, तो आप ओप्पो के साथ भी जा सकते हो।